एयरफोर्स नेवी एनडीए डिफेंस की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मैं राकेश कुमार शर्मा और डिफेंस गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चे, जो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको प्रोजेक्टाइल बताया था, तो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो आज का टॉपिक रहेगा बच्चे, वहाँ टॉपिक रहेगा सर्कुलर मोशन। क्या है? हॉरिजेंटल सर्कल की बात करेंगे, फिर वर्टिकल सर्कल की बात करेंगे। तो सर्कुलर मोशन में मैं आगे बताऊंगा आगे चल के किस टाइप से आप लोगों को चीज़ों को डील करना है, कंसेप्ट क्या रहेगा हमारा, किस टाइप से चीजों को हमें एनालाइज करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है बच्चे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जो हमारे पास प्रक्षेप्य गति है, प्रक्षेप्य गति है, तो प्रक्षेप्य गति के अंदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रक्षेप्य कोण जो दिया है आपको 15 डिग्री है और कितना है बच्चे 75 डिग्री है। तो आपको बच्चे अनुपात बताना है, क्या बताना है बच्चे आपको, अनुपात बताना है, रेशियो बताना है बच्चे, किस किस का रेशियो बताना है बच्चे आपको, आपको रेशियो बताना है R1 एंड R2 बच्चे। R1 एंड R2 मतलब प्रक्षेप्य, ये हमारे पास 36 दूरी होती है, हमारे पास 36, हमने बात की थी ना अभी 36 परास की बात की थी, ये हमारे पास 36 परास होता है, क्या होता है 36 परास, 36 परास बताना है आपको। किस केस में R1 है जब हमारा एंगल 15 डिग्री था, R2 है जो हमारा एंगल कितना था बच्चे 75 डिग्री है, इन दोनों केस में बताना है। तो बच्चे दोनों केस में रेशियो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला कौन सा है, तो चलिए अपने फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं, रेंज का फॉर्मूला बताएंगे जल्दी से, जल्दी बताएंगे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे बताओ, रेंज 36 परास वी स्क्वेयर साइन 2θg, वी स्क्वेयर साइन 2θg, ये क्या होता है बच्चे 36 परास होता है, क्या होता है 36 परास होता है। जब मैं यहाँ पर 15 डिग्री रखता हूँ बच्चे, क्या रखता हूँ 15 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, और जब 75 रखता हूँ बच्चे तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 75 दूनी 150, तो 180 माइनस के 75 भी 30 होता है। तो बच्चे याद रखेंगे हमारे पास थीटा और अगर 90 माइनस थीटा आता है, क्या थीटा और 90 माइनस थीटा, उसके लिए साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चे बराबर होती है, क्या होती है साइन की वैल्यू बराबर 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा के बराबर होगी जब जब हमारे पास 2θ का केस होगा, किसका केस होगा बच्चे 2θ का, मतलब मैं यहाँ पर 2 से और कर देता हूँ और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी बराबर, या फिर आप रख के देख सकते हो वैल्यू दोनों बच्चे, दोनों वैल्यू को जब आप रख के देखोगे तो क्या जाएगा, हाँ दोनों वैल्यू को पुट करके देखते हैं बच्चे क्या होगा। तो देखिए दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ, एक बार 15 पुट करते हैं तो बच्चे 30 डिग्री हो जाएगा और साइन 30 हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 30, एक बार मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो एक वैल्यू आ जाएगी बच्चे साइन 30, दूसरी 75 पुट करूंगा तो बच्चे आ जाएगी साइन 150। इस 150 को आप, मैं ऐसे नहीं लिख सकता साइन 180 माइनस 30 लिख सकता हूं बच्चे, ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास साइन 30 हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस 30 की बात करूंगा तो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चे पॉजिटिव ही होता है उस केस में भी, तो वैल्यू दोनों सेम है। तो हमेशा याद रखेंगे बच्चे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर आपके पास थीटा है और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है, तो हमारे पास जो परास है किसकी बात करेंगे, परास की, कौन सा परास, क्षैतिज परास, तो क्षैतिज परास जो है हमारे पास, मतलब जो रेंज है हॉरिजेंटल रेंज है, हॉरिजेंटल का रेशियो क्या रहेगा, रेशियो विल बी सेम, क्या रहेगा बच्चे सेम रहेगा, समान रहेगा, रेशियो क्या रहेगा बच्चे सेम रहेगा समान रहेगा दोनों केसेस में। कोई डाउट किसी को, कोई भी एंगल ले लो आप, मैं ले लेता हूं आपसे एंगल बच्चे, जैसे मैंने ले लिया 10 डिग्री का, क्या एंगल ले लिया मैंने, एक तो ले लिया मैंने एंगल कितना 10 डिग्री का, क्या ले लिया 10 डिग्री का, और एक ले लिया बच्चे मैंने 80 डिग्री का एंगल, एक ले लिया बच्चे मैंने अभी लिया था 15 डिग्री का, एक ले लिया 75 डिग्री का एंगल, एक ले लिया बच्चे 30 डिग्री का, एक ले लिया 60 डिग्री का, एक ले लिया 40 डिग्री का, एक ले लिया 50 डिग्री का। तो ये अगर थीटा है तो ये भी देखो बच्चे हमारे पास 90 माइनस थीटा वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है वैल्यू 90 माइनस थीटा लिखी हुई है। तो इन केसेस में, सभी केसेस की बात करता हूं मैं, सभी केसेस में जो आपकी रेंज है बच्चे, रेंज क्या रहेगी सेम रहेगी, सभी केसेस में नहीं, इन दोनों की रेंज सेम रहेगी, इन दोनों की रेंज सेम रहेगी, इन दोनों की समान रहेगी, इन दोनों की समान।
तो नए थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज क्या रहेगी बच्चे, सेम रहती है, हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करना था, तो ये पिछले क्लास का टॉपिक था हमारा, ये बताना जरूरी था क्योंकि यहाँ से कई बार और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछता है, हमें एंगल कुछ इस टाइप का दे देगा जो हमें कन्फ्यूज करता है। जैसे उसने एंगल दे दिया बच्चे, एक तो दे दिया 27 डिग्री का एंगल और 27 90 माइनस के 27 की बात करेंगे बच्चे थी इसकी, तो एक दे दिया 63 का एंगल, कितना दे दिया, और दोनों को ऐड करेंगे बच्चे 90। तो अगर हमारे पास थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो हम उस टाइम पर बच्चे ये सोचने लगते हैं ना तो हमें 27 की वैल्यू पता ना 63 की वैल्यू पता, किस तरीके से निकालेंगे, तो वहीं पर बिना सॉल्व करे छोड़ देते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं बच्चे, आपको कंपेयर एक बार जरूर करना है, थीटा की बात करनी और 90 माइनस थीटा, दोनों को एक बार कंपेयर करके जरूर देखना है। जब कंपेयर करके हम लोग देखेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाला कांसेप्ट आपको लगाना है। और क्या कह रहा है बच्चे, थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए, थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्षैतिज परास क्या रहता है, समान रहता है। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे वृत्तीय गति की, किसकी बात करते हैं, अपनी वृत्तीय गति की बात करते हैं। तो लिख लेंगे बच्चे यहां से वृत्तीय गति, क्या वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति क्या हो जाएगा बच्चे, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको साथ साथ लेके बताऊंगा जी एंगल क्या होता है, वो हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और एंगल को किस तरीके से हमें डिनोट करना है। ये मैं मान लेता हूं बच्चे एक सर्कल है आपके पास, क्या एक सर्कल मान लेता हूं, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं मैं, इस पॉइंट से रेडियस आर, इस पॉइंट की रेडियस क्या मान ली मैंने, सर्कल की रेडियस आर मान ली बच्चे, ठीक है। यहां पर ए पॉइंट है और ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को बच्चे बी पॉइंट पर जाना है, कहां पर जाना है इसको, बी पॉइंट पर जाना, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ए से बी तक जो गया बच्चे ये आर के हमारे पास, इसको वृत्तखंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे, वृत्तखंड, ये हमारे पास वृत्त है और इसकी जो सर्कमफेरेंस है, ये जो क्या हमारे पास परिधि है, क्या हमारे पास परिधि है इसको, तो इसको हम बोलेंगे बच्चे आर्क, ये हमारे पास ए से बी तक क्या हो गया बच्चे आर्क, और हिंदी में बोलते हैं इसको चाप, पढ़ा होगा हिंदी मीडियम वालों ने, ये चाप है हमारे पास, इस चाप की जो लंबाई होती है बच्चे आर्क, तो आर्क बराबर होता है किसके, रेडियस इंटू में थीटा के बराबर। तो बच्चे चाप की बात करूंगा मैं, चाप बराबर होता है किसके, त्रिज्या, देखना बच्चे एक बार, चाप ही बोलते होंगे, त्रिज्या और एंगल, कोण क्या हो गया बच्चे हमारे पास, ये कोण हो जाएगा, और ये जो एंगल है बच्चे, ये एंगल लिया जाता है हमेशा रेडियन में, किस में लिया जाएगा, रेडियन में, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, रेडियन में ही लेना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये रेडियन क्या होता है, बेसिक सी बात है सर, ये रेडियन क्या होता है बच्चे, आप लिख लो यहां से पाई रेडियन, हमारे पास बच्चे पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, और 1 डिग्री होता है बच्चे 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट होता है बच्चे 60 सेकंड के बराबर, पाई रेडियन होता है बच्चे 180 डिग्री के बराबर, और 1 मिनट होता है 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर। ये बच्चे जो सिंबल है वो मिनट का सिंबल है, किसका है, मिनट का, और ये सिंबल है बच्चे, ये सिंबल है सेकंड का, किसका सिंबल है, सेकंड का सिंबल है। तो 1 डिग्री हो जाएगा 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट हो जाएगा बच्चे 60 सेकंड के बराबर, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा बच्चे 60 सेकंड के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं, वृत्तीय गति। तो मैंने एंगल के बारे में बताया आपको, एंगल कैसे लेना है बच्चे, ठीक है। अब आपसे 1 डिग्री की बात करता है, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, कोई डाउट नहीं है बच्चे, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया बच्चे पाई रेडियन, पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, तो यहां से देखेंगे बच्चे 1 रेडियन, 1 रेडियन में हो जाएगा बच्चे आपका 180 बाई पाई डिग्री, और 1 डिग्री की बात करेंगे बच्चे 1 डिग्री में हो जाएगा पाई वाई 180 रेडियन, क्या हो जाएगा 1 डिग्री में पाई वाई 180 रेडियन। जब आपको रेडियन में वैल्यू दी है, किस में दी है, रेडियन में वैल्यू दी है, और इस रेडियन की वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है बच्चे डिग्री में, तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, कब, रेडियन टू डिग्री जाने के लिए, और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए ये वाली वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, मैं आपको पूछता हूं एक बार, अगर आपको 60 डिग्री दिए, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है जी, 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, या फिर मैं आपको बताता हूं पाई बाई 2 पाई बाई 3 रेडियन दे दिया आपको, इस 2 पाई बाई 3 को बच्चे डिग्री में कन्वर्ट करना है, कितना डिग्री होगा,
कितना डिग्री होगा। दो क्वेश्चन है आसान से, आंसर बताएंगे, कमेंट कर दो प्लीज, दोनों के आंसर बता दो। ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं होगा बच्चे। ऊपर जो लिखा हुआ है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, और डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है आपको, रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, और डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है बच्चे। ठीक है, तो देखिए 60 डिग्री को रेडियन बताया गया, डिग्री से रेडियन में जाने के मैंने बच्चे क्या बताया आपको, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं इससे, वो सॉरी, और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आपके पास वैल्यू डिग्री में, यहां पर देखिए डिग्री पाई बाई 180, रेडियन में आंसर आ जाएगा हमारे पास, रेडियन में आंसर आएगा पाई बाई 180 हो जाएगा हमारे पास। तो सॉल्व करके देखते हैं इसको, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 आ जाएगा, तो 6 18 तो पाई बाई 3 रेडियन आ गया। और आपको पता है बच्चे पाई बाई 3 को हम लोग 60 डिग्री बोलते हैं, पाई की वैल्यू तो 180 होती है, तो 60 हो गया। अभी रेडियन में दिया है, रेडियन से डिग्री में 180 बाई पाई से, तो हमारे पास कितना रेडियन है, 2π/3, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, 180/π से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करेंगे बच्चे, सॉल्व कैसे करेंगे, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, इस पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से कितनी बार, 6 * 3 = 60, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 120 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। या फिर आप डायरेक्ट भी करते हो, पाई की जगह पर 180 पुट कर दो, 180 18, तो हमारे पास तुरंत आ जाएगा 120, क्या आ जाएगा, 120। तो डिग्री से पाई में वैल्यू चेंज करनी है, और पाई से डिग्री में वैल्यू चेंज करनी है बच्चे, आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है। ठीक है बच्चे, आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, क्लियर है सभी को। कोई भी डाउट बच्चे, अगर किसी को कोई भी डाउट है कमेंट करेंगे प्लीज बच्चे, कोई भी डाउट है कमेंट करेंगे प्लीज, और अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं बच्चे। सर्कुलर मोशन की बात चल रही है, मैंने आपको सबसे पहले एंगल के बारे में बताया कि एंगल ये होता है बच्चे, ठीक है, एंगल के बारे में, उसके बाद चीजों को अभी देखेंगे। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट चलते हैं। मैंने बच्चे आपको बताया कि कोई सर्कल है आपके पास, क्या आपके पास कोई सर्कल, क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एक सेकंड बच्चे। चलिए ये मैं मान लेता हूं बच्चे एक सर्कल है आपके पास, क्या है, कोई भी सर्कल है आपके पास, ठीक है, इस सर्कल की बात करेंगे। यहां से सर्कल की रेडियस क्या है बच्चे, आर है, यहां से ए पॉइंट से, और कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर गया, बी पॉइंट तक, ये क्या बच्चे हमारे पास एंगल थीटा है, ये क्या थी बच्चे, रेडियस थी। इस सर्कल पर, इस पॉइंट पर, पर सेकंड कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एंगल चलेगा, ये वृत्त है, इस पॉइंट पर सेकंड कितना कोण चलेगा, उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी। पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया हमारे पास बिंदु से, और बी बिंदु तक पहुंचा, बी पॉइंट तक पहुंचा, और v वेलोसिटी से गया बच्चे, किससे गया, v वेलोसिटी से। तो पर सेकंड हमारे पास एक कोणीय वेग होता है बच्चे, क्या होता है, कोणीय वेग, जिसको बोलते हैं हम लोग बच्चे एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और ये कोणीय वेग को बच्चे हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है डी थीटा बाई डी टी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे इसको, ओमेगा से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से, बराबर होगा डी थीटा बाई डी टी। पर सेकंड कितना एंगल चेंज हो रहा है, पर सेकंड कितना एंगल चेंज हो रहा है, ये क्या हो जाएगा बच्चे, डी थीटा बाई डी टी, पर सेकंड कितना एंगल चेंज हो रहा है, डी थीटा बाई डी टी के बराबर हो जाएगा, और इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चे रेडियन पर सेकंड, क्या हो जाएगी, ये सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सर्कुलर पाथ की, देखते हैं आगे। हमने पढ़ा था बच्चे अभी आर्क, आर्क इजिकल टू होता है रेडियस इंटू में थीटा, आर्क हमारे पास ये डिस्टेंस होती है, अगर मैं छोटी वैल्यू की बात करता हूं, ये एंगल डी थीटा ले लेता हूं, ये डिस्टेंस ले लेता हूं डीएस, छोटा सा आर्क ले लेता हूं डीएस, ये जो मेरे पास वैल्यू है ये क्या ले लिया मैंने, एंगल बहुत कम ले लिया, और इसकी वैल्यू कर दी डी थीटा, और यहां से यहां तक मैंने जो पॉइंट लिया है ये वाला आर्क लिया है, डिस्टेंस ले ली डी थीटा, तो डिस्टेंस आर्क मैंने डीएस, और यहां पर आर्क और एंगल क्या हो गया डी थीटा, कोण क्या हो गया बच्चे, एंगल डी थीटा हो गया, यहां से यहां तक दूरी क्या हो गया हमारे पास, दूरी ds, एंगल हो गया d थीटा, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dt, दोनों तरफ dt से डिवाइड करने पर, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dt, दोनों तरफ अगर आप dt से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा बच्चे, ds बाय dt,
क्या डी एस बाई डी टी, आप सभी ने पढ़ा है बच्चे, डी एस बाई डी टी होती है वेलोसिटी, और डी थीटा बाई डी टी मैंने अभी आपको बताया बच्चे क्या होता है ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी अभी पढ़ा है हमने ओमेगा होता है। तो एक रिलेशन बच्चे आपके पास बनके तैयार हो गया, रिलेशन क्या है वी इज इक्वल टू में आर ओमेगा, क्या हो गया वी इज इक्वल टू में आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू में आर ओमेगा, ये आपके पास डीएस बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के बदलने की दर, विस्थापन के बदलने की दर क्या कहलाएगी वेग कहलाएगी हमारे पास, और कोण के बदलने की दर एंगुलर, कोणीय वेग कहलाएगी, विस्थापन के बदलने की दर वेग और कोण के बदलने की दर कोणीय वेग, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल एंगुलर वेलोसिटी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये जो संबंध है बच्चे हमारे पास ये वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, ये हमारे पास बच्चे हो जाएगा वेग और ये हो जाएगा कोणीय वेग, ये क्या हो जाएगा कोणीय वेग, और ये हो जाएगा हमारे पास सरल रेखीय एक विमीय बच्चे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कई बार आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में बच्चे संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन आपके पेपर में, यहां पर कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं बच्चे। लिख लेंगे अगर किसी ने नोट नहीं किया प्लीज, और कोई भी डाउट है कमेंट करके मेरे को बताएंगे सर ये डाउट है, वो डाउट हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, कोई भी डाउट है वो डाउट हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चे चलिए आगे चलते हैं। क्या बताया बच्चे मैंने आर ए से गया बी तक गया, ये थीटा है आपके पास, ठीक है बच्चे। रिलेशन क्या पढ़ा मैंने, एक तो पढ़ा था रिलेशन पाई रेडियन इज इक्वल टू में 180 डिग्री होता है, एक लेसन पढ़ा बच्चे वी इज इक्वल टू में आर ओमेगा होता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, सरल रेखीय गति और कोणीय गति में आपस में संबंध क्या होता है, इसको बोलते हैं बच्चे सरल रेखीय गति, ये होती है हमारे पास कोणीय गति, ये होती है रेडियस त्रिज्या, क्या होती है त्रिज्या, इन तीनों में आपस में संबंध पूछता है तो ये हो जाता है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, एक हमारे पास वृत्ति है, एक हमारे पास वृत्तीय चाल भी होती है, ठीक है बच्चे, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कुलर स्पीड, क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर स्पीड भी बोलते हैं, वो तो एंगुलर स्पीड है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे सर्कुलर स्पीड, याद रखेंगे, और इसको क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड, और इसको क्या बोलते हैं बच्चे लीनियर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी या फिर लीनियर स्पीड, ठीक है बच्चे, इसको वृत्तीय चाल, इसको बोलते हैं कोणीय चाल, तीनों को मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चे कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है आपको पता नहीं होता है, और ये हमारे पास सिंपल वेग भी बोल सकते हैं या फिर सरल रेखीय या फिर एक विमीय वेग भी बोल सकते हैं, सिंपल वेग बोल सकते हैं, सरल रेखीय वेग बोल सकते हैं या फिर एक विमीय बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे, ये हमारे पास होता है सरल रेखीय विमीय और ये होता है, ठीक है। तीनों को मैंने क्यों बताया बच्चे, इन तीनों का ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, अगर यूनिट की बात की जाती है बच्चे वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ओमेगा की यूनिट होती है बच्चे रेडियन पर सेकंड, क्या होती है रेडियन पर सेकंड, और एन की होती है बच्चे आरपीएम, आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, क्या होता है बच्चे रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितना चक्कर लगाएगा कोई भी व्हील, कोई व्हील घूम रहा है जैसे यहां से घूमा, ये एक मिनट में कितने चक्कर लगाएगा इसको सर्कुलर स्पीड बोलते हैं, कोई भी गाड़ी है अपने पास, गाड़ी है कार है, कार जब रोड पे चल रही है वो रोड का व्हील है जो एक मिनट में कितने चक्कर लगा देगा दैट इज सर्कुलर स्पीड, क्या हो जाएगी आरपीएम। तो बाई चांस आपको समझ में भी नहीं आ रहा बच्चे कौन सी सर्कुलर स्पीड है, कौन सी लीनियर वेलोसिटी है, कौन सी मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो आप यूनिट देख लो बच्चे, जिसके पीछे मीटर पर सेकंड लिखा है समझ जाओ वी है, जिसके पीछे रेडियन पर सेकंड लिखा है समझ जाओ ओमेगा है, और जिसके पीछे आरपीएम लिखा है रिवॉल्यूशन पर मिनट समझ जाओ बच्चे एन है, सर्कुलर स्पीड है, वृत्तीय चाल है, क्या है वृत्तीय चाल है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा बोला सर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बनाओ, चलो एग्जाम वाला देखते हैं बच्चे कैसे बनेगा, पहले इन तीनों का रिलेशन बताता हूं बच्चे आपस में, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, आपस में इन दोनों में रिलेशन क्या होता है,
ठीक है, आपस में इन दोनों में रिलेशन, फिर इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों, तो इनके रिलेशन की बात करते हैं बच्चे। तो पहला रिलेशन देखो बच्चे, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π n/60 केस फर्स्ट। हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू में r ओमेगा, ये पढ़ा है बच्चे केस सेकंड। मैं क्या करता हूँ, ओमेगा की वैल्यू को उठा के यहां पर रख देता हूँ, v इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 2π r n/60। तीन रिलेशन है इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, इनको डिराइव भी कर सकते हैं लेकिन डिराइव करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम में जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा बच्चे, देखोगे आप क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करना है हमको, यूज कैसे करना है मैं भी क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा कैसे यूज करना है। क्वेश्चन देखिए, अ कार ऑफ अ व्हील ऑफ कार, हिंदी में आप बताऊंगा, अ व्हील ऑफ कार विद रेडियस 7/11 meter मूविंग ऑन रोड विद 500 मूविंग ऑन रेड विद 600 rpm, देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार इन मीटर पर सेकंड। कार की वेलोसिटी बताओ मीटर पर सेकंड में, क्वेश्चन है बच्चे। देखिए हिंदी मीडियम वाले, देखो बच्चे क्या कह रहा है, अ व्हील ऑफ कार विद रेडियस 7/11, ये कह रहा है एक कार है उसका एक व्हील है, पहिया है, और जिसकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या 7/11 meter है, और वो रोड के ऊपर जा रही है कितनी स्पीड से बच्चे, 600 rpm, कितनी स्पीड से, 600 rpm की स्पीड से। तो वो कार कितनी वेलोसिटी से, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बतानी है, कितनी वेलोसिटी से जा रही होगी, वेलोसिटी बतानी है कार की, क्या बतानी है कार की। आप हिंदी में लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं हिंदी में लिख लो, एक कार जिसके पहिए की त्रिज्या 7/11 meter है, एक कार जिसके पहिए की त्रिज्या 7/11 meter है, सड़क पर या रोड पर 600 rpm की वृत्तीय गति से, 600 rpm की वृत्तीय चाल से चल रही है, वृत्तीय चाल से चल रही है, तो कार की चाल या फिर कार का वेग मीटर पर सेकंड में बताइए, कार का वेग मीटर पर सेकंड में बताइए, मीटर पर सेकंड में कार का वेग क्या होगा। तो देखिए बच्चे, मीटर पर सेकंड तो इसकी यूनिट होती है वी की, किसकी यूनिट होती है वी की, आपको वी चाहिए, आपको 600 rpm दिया है तो मतलब n दिया है, क्या दिया है बच्चे आपको n दिया है, क्या दिया है n, rpm में तो n ही कैलकुलेट करते हैं, आपको रेडियस 7/11 दिया, यहां से उठा के रेडियस को यहां पुट कर दें, तो रेडियस को तो यहां से, मैंने कहा था आपको बच्चे ये देखो गिवन क्या है और पूछा क्या है, आपस में संबंध बनाने की कोशिश करो, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। आप ये देखोगे बच्चों गिवन क्या है और आपको पूछा क्या है, आपस में जब आप संबंध बनाने की कोशिश करोगे इनमें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से देखिए 600 rpm तो n दिया है और 7/11 क्या दिया है r, 60 है, वैल्यू पुट करो बच्चे आंसर आ जाएगा। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, 2π रेडियस है बच्चे, देखिए पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, क्या कर देते हैं पाई, 2 पाई क्या होती है बच्चे 22/7, क्या होती है 22/7, रेडियस है बच्चे 7/11, एन है बच्चे हमारे पास 600, एन कितना है 600, और नीचे दिया हुआ है 60, क्या दिया हुआ है नीचे बच्चे 60 दिया हुआ है। अब देखो इस 11 से तो 22 कट जाएगा दो बार, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 से 600 कट जाएगा बच्चे 10 बार, तो 10 और 2 × 4 = 40, तो बच्चे हमारे पास आ गया 40 meter per second, कितनी चाल आ गई 40 meter per second की वेलोसिटी आ गई। कोई डाउट किसी को, वेलोसिटी इज 40 meter per second, क्या है बच्चे वेलोसिटी इज 40 meter per second, कोई भी डाउट किसी को, किसी को कोई भी डाउट है तो बताएंगे प्लीज, कोई भी डाउट, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं बच्चे, तो आपको फिर इन रिलेशन की जरूरत होती है, ठीक है। ये तीन रिलेशन है और इन तीनों रिलेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि ये रिलेशन तीनों एक जगह नहीं मिलते और तीनों के अंदर से जब रिलेशन में आपको क्वेश्चन पूछेगा और वो क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी का या तो वेग और कोणीय वेग का संबंध पूछेगा या फिर वृत्तीय चाल और इसका वेग का आपस में संबंध डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। तीनों को साथ में लिख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, ये तीन रिलेशन थे हमारे पास, अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या कहता है, अगले कंसेप्ट में बात करेंगे बच्चे हम लोग एक्सीलरेशन की, त्वरण की बात करेंगे, अभिकेंद्रक बल की बात करेंगे, अपकेंद्रक बल की बात करेंगे, और जो अभिकेंद्रक त्वरण है उसकी बात करेंगे, अपकेंद्र त्वरण की बात करेंगे। देखते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक। वृत्तीय गति चल रही है बच्चे, मान लेता हूं ये सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है आपके पास, ठीक है बच्चे। चलिए ये इसका सेंटर हो जाएगा आर, और कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर है। जब इसके अराउंड में ये वी की स्पीड से घूमेगा तो अंदर बच्चे एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। और न्यूटन साहब कहते हैं बच्चे एक एक्शन इज इक्वल टू किसके होता है, रिएक्शन के बराबर। क्या कहते हैं न्यूटन साहब, एक्शन बराबर होता है किसके, रिएक्शन के। एक्शन बराबर रिएक्शन के होता है, तो एक्शन नीचे लग रहा है तो रिएक्शन ऊपर, या फिर रिएक्शन ऊपर है तो रिएक्शन नीचे होना चाहिए इसका, कभी भी नेट फोर्स तो जीरो होगा। तो इसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है बच्चे जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बोलेंगे अभिकेंद्रक बल। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, अभिकेंद्रक बल। और इसको बोलते हैं बच्चे अपकेंद्रक बल। क्या बोलेंगे इसको, अपकेंद्रक बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसको बोलेंगे बच्चे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई डाउट बच्चे किसी को, कोई डाउट नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रक बल, अभिकेंद्रक बल। किसके बराबर होता है बच्चे, डिराइव नहीं करेंगे, मैं आपको रिलेशन बताता हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चे होता है एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। फोर्स बराबर तो एम ए होता है, तो ऐसी रिलेशन सेंट्रीपिटल हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। मास से मास कैंसिल आउट कर देना बच्चे हमारे पास, तो ऐसी रिलेशन हो जाएगा बच्चे क्या, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर, जिसको बोलते हैं बच्चे हम लोग अभिकेंद्रक त्वरण। क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रक त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे बच्चे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्रक त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अभिकेंद्रक ऐसी समझ में आ गया, इसको आगे और इंक्लूड कर दें। देखिए क्या बताया मैंने, दोबारा देख लेते हैं इसको, जिसके समझ में नहीं आया दोबारा देख लेते हैं। कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ पर घूम रही है, देखो यहां घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसको इधर चले जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर नहीं गया बच्चे, सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूम रहा है। जब यहां पर वेलोसिटी इधर जाना चाहिए था लेकिन अंदर आया, इसका मतलब अंदर की तरफ कोई तो फोर्स है जिसको ये इसको खींच रहा है। अगर ये यहां पर है तो ये ऐसे करके मूव कर रहा है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन में इसको जाना नहीं चाहिए, वेग की दिशा में इसको जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए वेग की दिशा में, लेकिन ये इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, तो कोई ना कोई तो अंदर फोर्स है, कोई ना कोई तो बल है जो अंदर की ओर, हर पॉइंट पर अंदर की ओर इसको खींच रहा है, हर पॉइंट पर जो बल इस सर्कुलर पाथ पर, वृत्तीय पाथ पर अंदर की ओर जो हर सेकंड हर पॉइंट पर खींच रहा है, दैट बल, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर अभिकेंद्रक बल। क्या कहते हैं बच्चे उसको, अभिकेंद्रक बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, कोई डाउट। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बच्चे क्या है हमारे पास, एफ सी इज इक्वल टू में एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या है, एफ सी इज इक्वल टू में एम वी स्क्वायर बाई आर। फोर्स तो एम ए के बराबर होता है, तो मास से मास को कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारे पास। लेकिन इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे कि एफ सी इज इक्वल टू में अगर हमारे पास एम वी स्क्वायर बाई आर है, लेकिन आपने एक चीज और पढ़ी है क्या, v इज इक्वल टू में r ओमेगा, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ v हियर। आप यहां पर v की वैल्यू को पुट करो तो m, ये क्या हो जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर बाई r, m r स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर है भाई, क्या हो गया आर, एक आर से आर कट जाएगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, इट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, किसके बच्चे अभिकेंद्रक बल, किसकी फॉर्म में, ये लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में, ये एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग की फॉर्म में हो गया, किसके कोणीय वेग की फॉर्म में, इसको बोलते हैं बच्चे कोणीय वेग। तो आपसे कोणीय वेग का रिलेशन है पूछता है जी अभिकेंद्रक बल बता दो, क्या बता दो, अभिकेंद्रक बल बता दो, अभिकेंद्रक बल किसकी फॉर्म में बता दो, कोणीय वेग की फॉर्म में, आपका आंसर होगा बच्चे एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्या आंसर होगा बच्चे आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर, किसकी फॉर्म में बच्चे कोणीय वेग की फॉर्म में, कोणीय वेग की फॉर्म में। अब हम एक्सीलरेशन की तरफ भी ऐसे जाते हैं, जब आपने ये लिख लिया एफ सी इज इक्वल टू में एम आर ओमेगा फोर्स, तो आप जानते ही हो एम एक्सीलरेशन इज इक्वल टू में क्या हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्या हो गया बच्चे एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास से मास को कैंसिल आउट कर दो, तो एक्सीलरेशन कोणीय वेग की फॉर्म में हो जाएगा बच्चे आर ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, किसकी फॉर्म में, कोणीय वेग की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में हो जाएगा बच्चे कोणीय वेग की फॉर्म में हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है सभी को, कोणीय वेग की फॉर्म में हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, कोई डाउट बच्चे किसी को, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट, कोणीय वेग की फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चे आर ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट, अभिकेंद्रक बल अभिकेंद्रक त्वरण, अभिकेंद्रक बल अभिकेंद्रक त्वरण, ठीक है। अब चलते अपने पॉइंट पर जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, सर्कल, एक फोर्स इधर लगा एफ सी, एक फोर्स इधर लगा एफ एफ, सेंट्रीफ्यूगल, इसको बोलते हैं अपकेंद्रक, क्या अपकेंद्रक, और ये क्या था बच्चे अभिकेंद्रक, अपकेंद्रक अपकेंद्रक, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। देखिए बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नेगेटिव होता है, या फिर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा नेगेटिव में होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालोगे बच्चे तो माइनस के एफ सी, तो एम वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव का, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा क्या आ जाएगा बच्चे माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर माइनस के एम आर ओमेगा स्क्वायर, इट इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ सेंट, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है बच्चे नेगेटिव होता है, किसका सेंट्रीपिटल फोर्स का, अभिकेंद्रक बल का नेगेटिव होता है अपकेंद्रक बल, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो अभिकेंद्रक बल का क्या हो जाएगा बच्चे ये नेगेटिव हो जाएगा, कोई डाउट नहीं किसी को बच्चे, देख लेंगे एक बार लिख लेंगे, एनी कंसेप्ट का यूज करेंगे बच्चे अपने, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था, एनी कंसेप्ट का हम लोग आगे यूज करेंगे बच्चे, अब देखते हैं कैसे यूज करेंगे एनी कंसेप्ट का, ठीक है बच्चे। तो आई थिंक आपको सर्कुलर पाथ के जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गए होंगे, क्या कह रहे हैं सारे कंसेप्ट, एनी कंसेप्ट का हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूले पढ़े बच्चे बताओ एक बार, हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े, एक तो पढ़ा जी वी इज इक्वल टू में आर ओमेगा, ये पढ़ा था हमने, एक एन पढ़ा जी हमने, या फिर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू पढ़ा जी टू पाई आर, टू पाई एन बाई सिक्सटी, क्या पढ़ा बच्चे टू पाई एन बाई सिक्सटी, एक हमने वी पढ़ा बच्चे क्या टू पाई आर एन बाई सिक्सटी, एक बच्चे हमने एफ सी पढ़ा क्या एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक हमने बच्चा क्या पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो नेगेटिव होता था सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। ये रिलेशन है, हम एनी रिलेशंस को बार बार यूज करेंगे, ये रिलेशन है एनी रिलेशंस को हम लोग बार बार यूज करेंगे। अब देखिए जो अगला टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अगले टॉपिक पर देखेंगे, उससे पहले और रिलेशन बताओ क्या था, v इज इक्वल टू में डी एस बाई डी टी, वेरी गुड, ओमेगा इज इक्वल टू में डी थीटा बाई डी टी, वेरी गुड। अब इस फॉर्म में आप जो इक्वेशंस पढ़ना चाहते हो, तीन इक्वेशंस वो देखेंगे बच्चे, तीन इक्वेशन कौन कौन सी, वो तीनों इक्वेशन इस फॉर्म में ऐसे आएंगे, हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू में आर ओमेगा, ना ना v इज इक्वल टू आर ओमेगा छोड़िए, अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
गति के समीकरण, गति के समीकरण किस पाथ पर बच्चे? वृत्तीय पाथ पर। किस पाथ पर? वृत्तीय पाथ पर गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन सर्कुलर पाथ, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पर मोशन की इक्वेशन क्या होंगी? एक एसिलेशन का रिलेशन और बता देता हूं बच्चे में। एसिलेशन का रिलेशन क्या होता है? एसिलेशन का देखो, यहां पर एसिलेशन का रिलेशन होता है बच्चे ए इज इक्वल टू, हम बोलते थे डीवी बाई डीटी, लेकिन यहां पर अल्फा हो जाता है डी ओमेगा बाई डीटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी होता था या एंगुलर वेलोसिटी होता है, वो क्या होता था? लीनियर वेलोसिटी। ऐसी जो हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो एसिलेशन अल्फा हो जाता है हमारे पास, क्या हो जाता है बच्चे? आर ए, ए सॉरी ए इज इक्वल टू में आर अल्फा, क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे आर अल्फा। ठीक है, जैसे हमने रिलेशन पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहीं से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? आर अल्फा। वो लास्ट वाला रिलेशन आपको दिख रहा है, तो ये एसिलेशन का रिलेशन आगे यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बताया इसको। चलिए अगले टॉपिक पर, क्या कह रहा है हमसे ये? हाँ, पहली इक्वेशन बताओ क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तीस दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस, इनको यूज करेंगे बच्चे अभी आप, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू में टू एस। तीसरा क्या था बच्चे? s एन एथ, s एन एथ इज इक्वल टू क्या था बच्चे हमारे पास? s एन एथ u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ये बच्चे ये क्वेश्चन थे हमारे पास। अब देखिए, इनको मैं वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना चाहता हूं। इक्वेशन ऑन सर्कुलर पाथ, क्या वृत्तीय गति पर इक्वेशन कैसे हो जाएंगी, सर्कुलर पाथ में इक्वेशन कैसे हो जाएंगी, उनकी बात करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी को बच्चे मान लेते हैं ओमेगा, इसको मान लेते हैं ओमेगा नॉट, या फिर ओमेगा वन ओमेगा टू भी मान सकते हैं आप लोग। ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्या मान सकते हैं? अल्फा। एसिलेशन अल्फा होता है, टी टाइम होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा। ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा बच्चे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है टू बच्चे टू अल्फा थीटा, किसके बराबर होता है? टू अल्फा थीटा के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट बच्चे थीटा एन एथ, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा, और ये हो जाएगा टू एन माइनस के वन, क्या आ जाएगा बच्चे? टू एन माइनस के वन आ जाएगा। दीज आर द इक्वेशंस इन लीनियर मोशन, दीज आर द इक्वेशंस ऑन द सर्कुलर पाथ, किसके ऊपर है बच्चे? सर्कुलर पाथ के ऊपर है। जैसे मैंने फ्री फॉल की आपको इक्वेशंस बताई थी, एसिलेशन को रिप्लेस किया मतलब बच्चे जी से, और एस को रिप्लेस किया था हाइट से। आप सभी ने देखा था जी जब ऊपर था तो हम ले रहे थे बच्चे पॉजिटिव वैल्यू, और जी जब नीचे था हम ले रहे थे कौन सी? नेगेटिव वैल्यू। फ्री फॉल बताई थी हमने, तो उस केस में जैसे हमने इक्वेशंस पढ़ी थी सेम हमारे पास ये बच्चे, उस केस में जैसे इक्वेशन थी ना सेम हमारे पास ये। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेंगे अभी, इसमें किसी भी इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है? कुछ नहीं किया बच्चे मैंने, ये फाइनल वेलोसिटी मान ली मैंने ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी मान ली ओमेगा नॉट, एसिलेशन सर्कुलर पाथ पर अल्फा होता है, क्या हो जाएगा हमारे पास टाइम, ये मान लिया हमारे थीटा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और टी क्या हो गया हमारे पास टाइम, एसिलेशन अल्फा टी टाइम, ये फाइनल वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा नॉट टू, ये क्या हो गया अल्फा, डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चे थीटा, ये मेरे पास क्या है एस एन है, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट हाफ अल्फा टू, एन की बात करता हूं मेरे पास एन, अल्फा हमारे पास हो जाएगा टू एन माइनस के वन एज इट इज, क्या हो जाएगा 2n माइनस के 1 आ जाएगा बच्चे एज इट इज। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है बच्चे? ठीक है, चलिए ये फॉर्मूले क्लियर है ना सबको? कोई डाउट किसी को हो तो बच्चे बता, कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी डाउट किसी को नीचे कमेंट, किसी से कुछ समझ में नहीं आया हो कहीं से कोई भी टॉपिक, कुछ नहीं किया इसमें मैंने, ट्रांसफॉर्म किया वन इक्वेशन टू अदर फॉर्म। यहां पर ये किस में होता था बच्चे? लीनियर पाथ में, किस में होती थी इक्वेशन? ये लीनियर में होती थी, यहां सर्कुलर पाथ में, यहां एक डायरेक्शन में होती थी, यहां पर टू डी में इक्वेशन बन गई सारी, किसे बन गई? टू डी में, ये वन डी में होती थी,
और यहाँ पर किसी सर्कुलर तो हमारे पास 2D में होता है बच्चा, आपको पता है 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता 1D, 2D, 3D तो बताएंगे बच्चे? ये तो बेसिक सी चीज है, आप लोग पांचवीं छठवीं सेवन्थ एट्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो जी 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D। सेम टाइम पर एक टाइम पर बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है 1D, एक टाइम पर बॉडी दो डायरेक्शन में जा रही है 2D, और एक ही टाइम पर बॉडी तीन डायरेक्शन में जा रही है, क्या हो गया, 3D हो गया। बस टाइम के रेफरेंस में चेंज होती है चीजें, किसके रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में चीजें चेंज होती है, और किसके अंदर होती है, फिजिक्स की बात कर, मैथ के अंदर भी हम लोग 2D 3D 4D पढ़ा होगा, 4D तो कहां पढ़ा होगा, 3D तक पढ़ा होगा, ठीक है, थर्ड डायमेंशन ही पढ़ा है अपने। वैसे तो मल्टी डायमेंशनल का नाम सुना बच्चे, आगे जब आप हायर क्लासेस की बात है वो छोड़ो, आप अभी PhD वगैरह आपको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग सब सिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चे, एक सड़क पर वाहन का फिसलना, यहां से इनके एप्लीकेशन शुरू होंगे। ये सर्कुलर पाथ का बेस था बच्चे, क्या था ये, आधार था। अब मैं आपको बताऊंगा एक सड़क पर वाहन का फिसलना, हेडिंग डालेंगे बच्चे सड़क पर वाहन का फिसलना, सड़क पर वाहन का फिसलना, ठीक है बच्चे, इस कंसेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन द रोड, स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन द रोड, ऑन द रोड, स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन द रोड, इसकी बात करेंगे बच्चे, ये टॉपिक है हमारा अभी का। देखिए प्लेन रोड की बात करता हूं बच्चे, जब आप अपनी गाड़ी को लेकर के और किसी सर्कुलर पाथ पर जाते हो, ऐसे करके कोई मोड़ आ गया, आप अपनी गाड़ी ली, गाड़ी को लेकर जा रहे हो बच्चे और सर्कुलर पाथ पर ऐसे मोड़ रहे हो, तो आपने देखा होगा हाई स्पीड में आप गाड़ी ऐसे मोड़ते हो तो गाड़ी फिसल जाती है, हाई स्पीड में गाड़ी आप ऐसे मोड़ते हो तो गाड़ी क्या हो जाएगी बच्चे, फिसल जाएगी, क्या हो जाएगी, गाड़ी फिसल जाएगी हाई स्पीड में ऐसे मोड़ोगे तो आप बच्चे, ठीक है। वो जो स्किडिंग होती है, हमको कितनी स्पीड अपनी गाड़ी की रखनी है बच्चे ताकि अपनी गाड़ी फिसले नहीं, हमको मैक्सिमम कितनी स्पीड रखनी है जी, इतनी स्पीड तक हमारी गाड़ी रोड के ऊपर स्लिप नहीं करेगी, इससे ज्यादा स्पीड रखेंगे तो स्लिप कर जाएगी। देखा आपने बाइक, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, रेत वगैरह जहां पर फ्रिक्शन कम होता है, आप साइकिल चलाते हो, साइकिल एकदम हाई स्पीड पर आपने ऐसे मोड़ी, साइकिल फिसल गई, बाइक आपने हाई स्पीड पर ऐसे मोड़ी, बाइक फिसल गई, आपने कोई भी गाड़ी की बात करते हैं हम लोग, तो वो यही केस है बच्चे। तो स्किडिंग के बचने के लिए आपको करना क्या है, देखो मैं किसी भी गाड़ी की बात करता हूं, ये मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, क्या एक सर्कुलर पाथ है, और यहां से गाड़ी ऐसे आ रही होगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, तो मैं मान लेता हूं ये व्हीकल है यहां पर, ये कार है, और ये कार यहां से चल के ऐसे आ रही होगी, ठीक है। तो अगर गाड़ी फिसल के, आप ये बताओ बच्चे, जब आप ऐसे करके मोड़ते हो, स्लिप करके, गाड़ी अंदर आती है कि बाहर जाती है, बताएं, कमेंट करेंगे बच्चे, इनसाइड और आउटसाइड, गाड़ी फिसल के स्किड करके अंदर आएगी कि बाहर जाएगी, आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड बच्चे, वेरी गुड, कहां पर जाएगी, आउटसाइड, ये गाड़ी स्लिप करके आउटसाइड जाएगी, कहां जाएगी, आउटसाइड, ऐसे करके स्किड करके जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अंदर रोकने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स इसको अंदर रोकने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वाले टॉपिक में आगे बताऊंगा जी फ्रिक्शन क्या होता है, तो अभी सिर्फ मैं लिख दूंगा जी फ्रिक्शन ये होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको बच्चे रोकने की कोशिश करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स होता है μmg के बराबर, किसके होता है, μmg के बराबर, और बाहर जाएगा तो बाहर क्या लगता है बच्चे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर क्या काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल, अभी सर्कुलर पाथ पर बताया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बच्चे mv2/r, क्या होता है, mv, नेगेटिव होता है सेंट्रीपेटल फोर्स का, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है, mv2/r के बराबर, तो ये जब अंदर था और ये बाहर फिसलेगा तो फ्रिक्शन इसको अंदर कोशिश करे, जब गाड़ी स्लिप करती है फिर गाड़ी मूव करती है, उसको रोकने का काम करता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का एक ही काम करता है मोशन का अपोज करना, क्या है, फ्रिक्शन का एक ही काम रहता है मोशन का अपोज करना, जब ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे करके खींचेगा, तो यहां पर बच्चे बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं, μmg इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv2/r, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ऑल अपोजिट फोर्स, आपको स्किड नहीं करनी गाड़ी, स्किड करने से क्या होनी है, बचानी है बच्चे, आपको स्किड करने से क्या करना है, गाड़ी को बचाना है, तो क्या होगा, μmg इक्वल टू mv2/r, अपोजिट फोर्स ऑलवेज इक्वल, व्हेन यू टेल अबाउट द इक्विलिब्रियम, जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो बच्चे, उस केस में हमेशा अपोजिट फोर्स, वर्टिकल ऊपर वाला फोर्स बराबर रहेगा डाउनवर्ड फोर्स के, राइट रहेगा लेफ्ट के बराबर हमारे पास, तो ऑल अपोजिट फोर्स, विपरीत बल, विपरीत बल हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं,
विपरीत बल क्या होते हैं बच्चे, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहां से देखिए एम से एम को कैंसिल आउट करते हैं बच्चे, तो यहां से देखिए हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी बच्चे म्यू आर जी। वेलोसिटी क्या आ जाएगी, म्यू आर जी का अंडर रूट। इट इज द वैल्यू फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी। आपको इतनी अधिकतम वेग रखना है बच्चे, क्या करना है आपको, अधिकतम वेग इतना रखना है। इस वेग से अगर आप गाड़ी को ऐसे करके लेके जाओगे तो गाड़ी स्लिप नहीं करेगी, इससे ज्यादा वेग अगर आपने कर दिया तो गाड़ी क्या करेगी, स्लिप करेगी सर्कुलर पाथ के ऊपर। क्या करेगी, सर्कुलर पाथ के ऊपर आपकी गाड़ी क्या कर जाएगी बच्चे, स्लिप कर जाएगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें, कोई भी डाउट अगर किसी को बच्चे बता सकते हैं, कोई भी डाउट। ठीक है, तो स्किडिंग ऑफ व्हीकल था बच्चे, व्हीकल कैसे स्किड करेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे, उसके बाद डिस्कस करेंगे बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। साइकिल सवार का झुकाव, साइकिल सवार का झुकाव। साइकिल सवार का झुकाव, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। साइकिल आप सभी ने चलाई होगी, पढ़ने जाते थे हम लोग साइकिल बचपन में, अभी भी जाते होगे। आपने देखा है जब आप किसी मोड़ पर जाते हो और साइकिल को ऐसे करके मोड़ते हो तो थोड़े से झुक जाते हो, साइकिल को ऐसे करके मोड़ते हो थोड़े से इस तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हो। बाइक चलाते होगे आजकल, बाइक को जैसे किसी मोड़ पर हम थोड़े से झुक जाते हैं। जैसे आप झुकते हो तो वो क्यों झुकते हो, रीजन क्या होता है झुकने का आपका, फ्रिक्शन को बैलेंस करना होता है। अच्छी बात है, आखिर अगर आप नहीं झुकोगे तो फ्रिक्शन बैलेंस नहीं होगा, और अगर आपका फ्रिक्शन बैलेंस नहीं होगा बच्चे तो आपकी स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, गाड़ी की बाइक की साइकिल किसी की भी स्लिप करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी। मैं उसी की बात करूंगा बच्चे यहाँ पर। तो एक रोड ले लेते हैं, हमारे पास एक रोड है और ये ऐसे करके सर्कुलर पाथ है बच्चे इस रोड का। ठीक है, इसके ऊपर आपको चलना है। ठीक है, एक साइकिलिस्ट आ रहा होगा, मैं एक बढ़िया सा डायग्राम बनाता हूँ एक अच्छा सा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास प्लेन है, साइकिलिस्ट आ रहा होगा बच्चे, मैं मान लेता हूँ ये साइकिलिस्ट का व्हील है ये, और ये क्या रहा होगा बच्चे, साइकिलिस्ट का हैंडल रहा होगा यहाँ पर, और साइकिलिस्ट यहाँ पर बैठा हुआ। ठीक है बच्चे, ये साइकिलिस्ट का व्हील है, ये साइकिल है हमारे पास और ये हैंडल है उसका, ये हैंडल उसने पकड़ रखा है और ये साइकिल का व्हील है। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहे होंगे बच्चे, मैं अलग से क्लास लूंगा उसके अंदर आपको बताऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। इसके बारे में बताऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, उसमें अलग से आपको बताऊंगा बच्चे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो इसके लिए तब तक के लिए मैं आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम नहीं, क्या होता है किसी बॉडी के ऊपर सारे फोर्सेज कितने लग रहे हैं उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के रिप्रेजेंट कर देना एफ वीडियो, अलग से मैं बताऊंगा उसमें समझ में आएगा। यहां पर देखो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा बच्चे, देखो अगर ये आदमी यहां पर झुका तो एम जी तो यहां पर काम कर रहा होगा। वर्टिकल के साथ मान लेते हैं ये आदमी एंगल जो थीटा हो गया, नॉर्मल फोर्स हमेशा यहां पर काम करता है बच्चे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, क्या बोलते हैं इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं बच्चे। ठीक है, रिएक्शन फोर्स हमेशा यहां काम करता है, इसको देखते हैं हमेशा। तो रिएक्शन फोर्स बच्चे कहां पर काम करता है, यहां पर करता है, इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। हमेशा जो प्लेन होता है प्लेन के 90 डिग्री पर लगता है, प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। साइक्लिस्ट ऐसे झुका तो इसके परपेंडिकुलर क्या काम करेगा, नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है बच्चे, तो वर्टिकल के साथ क्या एंगल इसका थीटा है, इस एंगल को रिजॉल्व करते हैं आर को, इधर आर का कंपोनेंट आ जाएगा बच्चे और कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा आर का आर साइन थीटा, क्या आएगा बच्चे आर साइन थीटा, उधर कंपोनेंट आर को मैंने तोड़ के देखा। तो ये बच्चे देखो आर कॉस थीटा किसके अपोजिट में लग रहा है, एम जी के में, और मैंने आपको अभी बताया था अपोजिट फोर्सों को बैलेंस करना होता है इक्विलिब्रियम में। और ये जो आर साइन थीटा बच्चे इनसाइड है, ये काम कर रहा होगा सेंट्रीपेटल फोर्स का, किसका काम कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स का। तो जो आर साइन थीटा है बच्चे ये सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है, ये बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर के। जो आर कॉस थीटा है ये अभिकेंद्रक बल का काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का, आर किसका काम कर रहा है अभिकेंद्रक बल सेंट्रीपिटल फोर्स का, एम बी स्क्वायर आर के। आर कॉस थीटा एम जी के अपोजिट में वेट के में, ये एम जी का है। ये इक्वेशन फर्स्ट बच्चे और ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गया हमारे पास। अब देखो मैं इसको डिवाइड करता हूं इससे, तो देखो आर से तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चे साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा,
तो टेन थीटा हो जाएगा बच्चे वी स्क्वेयर बाई आर जी। टेन थीटा क्या हो गया बच्चे वी स्क्वेयर बाई आर जी। ये रिलेशन हो गया बच्चे बैंकिंग ऑफ साइक्लिस्ट का। कोई भी साइक्लिस्ट है वो ऐसे करके बैंड हो रहा है तो थीटा उसको कितने एंगल पर झुकना चाहिए, मान लो 40 की स्पीड है, 30 की स्पीड है, 20 की स्पीड है, 50 की स्पीड है, जो भी स्पीड है उसको यहाँ पर रखो बच्चे। आप स्पीड को यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास रेडियस, ये पता होगी किस रेडियस का ये सर्कुलर पाथ है, जी की वैल्यू आपको पता होती है, टेन होती है। यहां से एंगल आ जाएगा कि आपको साइकिल को इतने एंगल पर झुकाना है ताकि आप स्लिप नहीं करोगे। और अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पहले से गिवन है, आपको दे रखा है जी हमें तो साइकिल को 60 डिग्री पर झुकाना है, किस पर 60 डिग्री पर, तो वेलोसिटी मैक्सिमम बताओ कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रखें ताकि हमारी जो साइकिल है वो क्या ना करे, स्लिप ना करे, हमारी साइकिल क्या ना करे, स्लिप ना करे बच्चों, वो वेलोसिटी बता दो। तो दोनों क्वेश्चन यहां से निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो। चलिए अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट बच्चे दोबारा देखना है। चलो ये बच्चे साइकिलिस्ट था, यहां से ऐसे गया, ये हैंडल है इसका और यहां पर आदमी बैठा है, इसके ऊपर टोटल फोर्स कितने लग रहे होंगे, कहां कहां पर काम कर रहे होंगे। तो हमने देखा जी एक तो इसका वेट काम कर रहा होगा नीचे, एक नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा, और तो कोई फोर्स नहीं है। नॉर्मल को हमने तोड़ के देखा तो जिधर थीटा होता है तोड़ना आता है उस तरफ कॉस का कंपोनेंट आता है, तो ये आर कॉस थीटा बैलेंस कर रहा होगा एम जी को, और आर साइन थीटा इसमें अंदर की तरफ लग रहा है, ये जो सर्कुलर पाथ है बैंकिंग इसमें अंदर की तरफ लग रहा है, और अंदर की तरफ लगने वाले सर्कुलर पाथ पर अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा विल वर्क एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, आर कॉस थीटा विल वर्क एज द वेट, ऑन कंपेयरिंग बोथ डिवाइडिंग द वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर इक्वेशन वी विल गेट टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से, एक समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग देने पर हमें मिला टेन थीटा बराबर हो गया किसके, वी स्क्वायर बाय आर जी के। अगर आपको वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, हम 40 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, 50 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं अपनी बाइक को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, हमको कितने एंगल पर झुकना चाहिए ताकि हमारी गाड़ी स्लिप ना करे, यहां से निकाल लोगे बच्चे एंगल आ जाएगा। अगर आपको एंगल दिया है कि हम मैक्सिमम 60 डिग्री पर झुक सकते हैं, तो आपको बताओ जी वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी रखनी है, वेलोसिटी मैक्सिमम इतनी नहीं है बच्चे। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें, कोई डाउट नहीं है। तो बच्चे बस इससे आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं बच्चे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करेंगे, और जिन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना है जो रियली में तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, मैं चाहता हूं वहां तक ये कंटेंट पहुंचे बच्चे। ठीक है, और लास्ट में आपको एक चीज बोलूंगा बच्चे, लगातार लगे रहिएगा, आपके जितने भी डाउट हैं आई विल सॉल्व ऑल डाउट, आप लोग कमेंट करके या फिर कैसे मेरे पास भेज सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर करूंगा। और उसके बाद बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को बच्चे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।